ओम नमः शिवाय। अपने प्यार को, चाहे वो आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, या आप किसी व्यक्ति को अपने वश में करने के बाद उससे किसी कार्य को पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आप इस चमत्कारी विधि से अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आप किसी को भी बहुत ही आसानी से अपने वश में कर सकते हैं, और कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे, क्योंकि ये विधि बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि का यदि किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग किया गया तो जो भी गलत परिणाम होगा वो आपको भुगतना होगा। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर पूर्ण होंगे। तो इस विधि में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए जानते हैं। आपको चाहिए एक तेजपत्ता और एक नींबू। ध्यान रहे, तेजपत्ता आपका खंडित नहीं होना चाहिए, जिस तरह से ये अभी खंडित है। जो भी आप नज़दीकी दुकान से तेजपत्ता लाते हैं तो वो तेजपत्ता आपने साबुत लाना है। ये हम आपको बताने के लिए एक तेजपत्ता लेकर आए हैं। तो आपने क्या करना है, इस तेजपत्ते पर आपने अपना नाम, उसके बाद आपने स्वास्तिक बनाना है, उसके बाद आपने ओम बनाना है, उसके बाद आपने इस मंत्र को इस पर लिखना है, पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखें जो इस विधि को कर रहा है। ऊपर की ओर आपने अपना नाम लिखना है, और इसके पीछे आपने अपने प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी का, जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हैं, उसका नाम लिखें। उसके बाद आपने फिर से इस पर स्वास्तिक बनाना है, ओम, कामदेव भाई नमः ओम। पहले आप अपना नाम लिखें, फिर आपने इस मंत्र को लिखना है, फिर उसके पीछे आपने जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हैं उसका नाम लिखें, फिर आपने स्वास्तिक ओम कामदेवाय नमः, फिर ओम, इस तरह से आप इस मंत्र को लिखें। और इस विधि को आपने रविवार की रात 12 बजे करना है। रविवार रात 12 बजे करने के बाद आपने इसे, इस नींबू को और इस तेज पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। अगले दिन सुबह उठकर आपने इस नींबू को अपने राइट हैंड में पकड़कर 121 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आप सीधा किसी चलते हुए पानी में, आप नींबू और तेज पत्ते को किसी चलते हुए पानी में विसर्जित कर दें, और इस विधि को आपने रविवार, सोमवार, मंगलवार, आपने 3 दिन इस विधि को लगातार करना है। कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि ये विधि बहुत ही ज़्यादा कारगर विधि है। और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।